तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास अपनी पढ़ाई करने के लिए एक ट्रू स्टडी रूम या लाइब्रेरी है? वेल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये दोनों ही नहीं होते। एक शांत जगह जहां आप रीडिंग और स्टडिंग कर सकें बिना किसी परेशानी के। चलिए मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आप सभी का एक राज बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई बेडरूम में रखे हुए बेड पर, लिविंग रूम या फैमिली रूम में रखी हुई चेयर या काउच पर, या किचन में रखी डाइनिंग टेबल या किचन टेबल पर करते हैं। एक लड़का श्याम भी बेडरूम से ही पढ़ाई करता था। अब श्याम बेडरूम में जैसे ही बुक खोलता, उसको बेड से आवाजें सुनाई देती। श्याम आ जाओ, बिस्तर नर्म नर्म है। श्याम खुद को रोक नहीं पाता और सोने चला जाता। तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेडरूम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो आप भी यही कहेंगे कि सोना। डाइनिंग टेबल का प्राइमरी फंक्शन है खाना खाना। लिविंग एरिया का प्राइमरी फंक्शन है सोशलाइज होना या कुछ रिक्रिएशनल करना, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि हम हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टीचर एक ग्रुप से सवाल पूछता है, आप में से कितने लोग आगरा का ताजमहल घूमे हैं? ग्रुप से कुछ बच्चे हाथ को ऊपर उठाकर आंसर करते हैं। फिर टीचर वही क्वेश्चन एक पर्टिकुलर बच्चे के पास जाकर उससे डायरेक्ट पूछता है। इस बार बच्चा हाथ उठाकर नहीं बोलकर आंसर देता है। अब सवाल ये है कि सेम क्वेश्चन पे दो अलग अलग तरीके से आंसर क्यों किए गए? क्योंकि आप ऐसे ही ट्रेन किए गए हैं। जब ग्रुप से पूछा जाएगा हाथ उठाना है, और पर्सनली पूछा जाएगा तो बोलकर आंसर करना है। और मज़े की बात यह है कि आपको ये करने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता। तो इससे हम क्या समझे? सेम यही चीज़ अप्लाई होती है जब आप बेडरूम में होते हैं। हमें यही बताया गया है कि यह सोने की जगह है, फिर बॉडी भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है। अब इसके इलाज के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कंट्री के किसी भी टिपिकल हॉस्टल के रूम को चेक करेंगे, तो वहाँ आपको दो बेड, दो वार्डरोब, दो स्टडी टेबल्स और ऐसी ही पेयर्स में चीज़ें मिलेंगी। और एक ही रूम में आप सोएंगे, ग्रूम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, खाना खाएंगे और ऑब्वियसली पढ़ेंगे भी। ये एक मल्टीपर्पज़ रूम होगा जिसमें आप सब कुछ एक ही रूम में करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली मेजॉरिटी केसेस में लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती होगी। तो अब एक हॉस्टल के वार्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने वहाँ हर एक स्टूडेंट को दो लैंप्स दिए और कहा, एक लैंप पे लिखो स्टडी लैंप और इसे सिर्फ तब यूज़ करना, तब ऑन करना जब स्टडी करनी हो, और दूसरा लैंप बाकी सारे काम करने के लिए यूज़ करना। उसके बाद वार्डन ने कहा कि रूम में जाओ, बेड की तरफ अपना बैक करो, टेबल पर स्टडी लैंप को ऑन करो, फिर फुल कॉन्सेंट्रेशन से 25 से 30 मिनट पढ़ो, और जैसे ही मन लगना बंद हो जाए तुरंत लैंप को बंद कर दो और खड़े हो जाओ और जो करना है वो करो, और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ वापस बैठो और लैंप ऑन कर लो। यहाँ आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैंप। ये वैसे ही काम करेगा जैसे ग्रुप में सवाल पूछे जाने पर आप हाथ उठाने लगते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हर बार लैंप जलने पर, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे स्टडी टेबल पर। ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। लैंप आपके ब्रेन के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। अब श्याम की बात करते हैं। श्याम को उसके फ्रेंड्स ने एक छोटी सी डेस्क गिफ्ट की थी जिसे वो कहीं भी रखकर यूज़ कर सकता था। उसने अपनी टेबल को अपना ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट बनाया। जहाँ भी वो टेबल को रखकर उस पर पढ़ता वहीं उसका मन लग जाता। तो आप अपना स्टडी एरिया कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं और कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। बोनस टिप, अगर किचन में पढ़ रहे हो तो आसपास रखे टेस्टी स्नैक और खाने को हटा लेना। लिविंग एरिया में पढ़ रहे हो तो टीवी या म्यूजिक को बंद कर देना, क्योंकि अगर आप अपना फेवरेट सॉन्ग गाते गाते पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप गाना एंजॉय कर रहे हैं।